हाय एवरीवन, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियर इश्यूज के बारे में। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स का जो है कॉमन एक कंसर्न है, और जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट की कमेंट्स में भी पढ़ा है, कि आपका बेबी जो है वो बहुत स्टिमुलेशन करता है, सेल्फ स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा करता है। अगर कोई गेस्ट बाहर से आए हैं या फिर पब्लिक सेटिंग में आप बेबी को लेकर गए हैं, तो आप देखेंगे सेल्फ स्टिमुलेशन के साथ साथ बैड बिहेवियर है, स्क्रीमिंग है, एट टाइम्स आपके लिए वो इरिटेटिंग, एम्बेरसिंग, और साथ ही साथ आपके बच्चे को मैनेज करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आप आउटडोर्स हैं। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो कॉमन कंसर्न रहता है वो हाइपर एक्टिविटी को लेकर रहता है, कि हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बच्चे थकते नहीं हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करने में भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ एक एक्टिविटी अगर करवानी है तो उसमें भी उसमें बिठाना, उसको सेटल करना, उस एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करना, वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर चीज़ इंटर रिलेटेड है, तो अगर कोई पार्ट स्किप हो गया तो ऐसा हो सकता है कि जो मैसेज मैं कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ वो मैसेज उतना क्लियरली कन्वे ना कर पाऊँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चों के अंदर ये जो स्क्रीमिंग बिहेवियर है, या जो बैड बिहेवियर है, हिटिंग बिहेवियर है, हेड बैंगिंग है, अपनी जिद पूरी करवाना है, या पब्लिक सेटिंग में जाकर जो है बहुत ऑड बिहेव करना, चिल्लाना, ये क्यों होता है। तो सारी ये चीज़ें जो है ना वो सेल्फ स्टिमुलेशन से रिलेटेड हैं, और सेल्फ स्टिमुलेशन बच्चों के अंदर जनरली ट्रिगर होता है जब उनको सेंसरी ओवरलोड होता है। अब सेंसरी ओवरलोड बहुत चीज़ों से हो सकता है। कई बार आपके घर पर कोई गेस्ट आए हैं, सबका बोलने का लहजा डिफरेंट है, सबकी लैंग्वेज डिफरेंट है, लैंग्वेज आप हिंदी ही बोल रहे हैं लेकिन बोलने का तरीका डिफरेंट है, अलग अलग शब्द सब यूज़ कर रहे हैं। अब वो छोटे से बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ऑलरेडी लैंग्वेज को समझना, जो कि कंसिस्टेंट लैंग्वेज आप यूज़ करते आ रहे हैं वही उसके लिए जो है ग्रास्प करना, उसको समझना, आपकी कमांड फॉलोइंग करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अभी आपके घर पर और गेस्ट आ गए हैं और वो भी अपनी जो है अपनी ही लहजे में अपने वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एकदम से इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो गया है घर का, तो वहाँ पर बच्चे को सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। कुछ बच्चों की सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं, ओवर काम करती हैं एक्चुअली, तो उनको अलग अलग स्मेल्स आती है। कोई आए हैं बहुत हाई परफ्यूम लगाकर, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाला डीओ लगाकर, तो आपके बच्चे को सेंसरी ओवरलोड हो सकता है। एंड माइंड क्या करता है, जैसे ब्रीदिंग ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है ना हमारे लिए, वैसे ही माइंड जो है ऑटिज्म में बच्चों के लिए स्टिमिंग का प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक कर देता है, क्योंकि स्टिमिंग से उन्हें सेल्फ सूदिंग इफेक्ट मिलता है, तो ऑटोमेटिकली उनका ब्रेन सिग्नल पहुंचाता है कि वो कुछ भी उस एनवायरनमेंट से एस्केप करने के लिए वो चीज़ करना स्टार्ट कर दें। अब सेल्फ स्टिमिंग में हो सकता है रनिंग हो, सेल्फ स्टिमिंग में हो सकता है बच्चा क्लैप करे, कोई भी एक ऐसा रेपिटेटिव बिहेवियर बच्चे पिक कर लेते हैं जिससे वो एस्केप कर सकते हैं आसपास के एनवायरनमेंट में, एंड खो जाएंगे अपनी उस एक्टिविटी में। कुछ पेरेंट्स का कंसर्न होता है बच्चे अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, एकोलेलिया बहुत प्रोड्यूस करते हैं, सोते उठते ही एकोलेलिया स्टार्ट हो जाता है। एकोलेलिया बेसिकली स्क्रीन टाइम की वजह से, या बहुत ज़्यादा जब लैंग्वेज यूज होती है ना आपके आसपास, तो बच्चे वो चीज़ पिक कर लेते हैं, माइंड में स्टोर कर लेते हैं, बाद में उसे रिपीट करते हैं। तो मैंने जब ये चैनल शुरू किया था, एंड मोस्टली मेरे वीडियोज़ में एक चीज़ बहुत कॉमनली मैं बोलती हूँ कि आपको कंसिस्टेंट लैंग्वेज रखनी है, थोड़ी सी लैंग्वेज को जो है सेम रखना है, एंड अपनी लैंग्वेज को तभी यूज़ करिए जब आप उसको कमांड दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़्यादा बातें करने से बच्चों के माइंड में वो वर्ड स्टोर होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता बट वर्ड स्टोर हो जाते हैं, तो पिकअप तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन उसको समझना, उसका मीनिंग समझना उतना नहीं कर पाते हैं, तो बाद में क्या होता है वो वर्ड उनके माइंड में स्टक रह जाता है। एंड क्योंकि बच्चे अभी बोलना तो जानते हैं, स्पीच तो है, बट रोज माउथ तो स्टिमुलेट हो नहीं रहा, तो वो एकोलेलिया जो है उनका माउथ स्टिमुलेट करता है और वो इसीलिए वो बोलना शुरू कर देते हैं। एकोलेलिया आफ्टर सम टाइम स्टार्ट सेटलिंग, थोड़े टाइम बाद एकोलेलिया सेटल होना शुरू हो जाता है, अगर एकोलेलिया स्क्रीन टाइम की वजह से हुआ था। दैट मीन्स अगर आपने जीरो स्क्रीन टाइम करा है, बच्चे राइम्स गाते थे, नंबर्स बोलते थे, लेटर्स बोलते थे, या टीवी में जो देखा वो बोलते थे, तो आफ्टर स्क्रीन टाइम ज़ीरो हो जाता है तो उसके बाद वो चीज़ सेटल होनी शुरू हो जाती है, एंड इट टेक्स समवेयर अराउंड 2 to 3 years उस चीज़ को थोड़ा कम होने में, और कम ही बोल रही हूँ मैं, एबसेंट नहीं होता तो वो ज़ीरो हो जाता है, और कुछ डेज आपको एपिसोड जो है वो बिल्कुल ज़ीरो दिखेगा, यानी पूरे दिन कोई एकोलेलिया नहीं होगा। लेकिन काफ़ी सारे टाइम पर आप देखेंगे कि एकोलेलिया के एपिसोड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं पूरे दिन में, आप देख रहे हैं बच्चा नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ बोलता ही चला जा रहा है, तो वो चीज़ स्क्रीन टाइम ज़ीरो करने के बाद सेटल होती है। विराज के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो अगर आप मॉमी इन द हाउस चैनल फॉलो करते होंगे, वहाँ व्लॉग्स में देखते होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि विराज का एकोलेलिया जो है वो नहीं है, मतलब बहुत नाम मात्र को है,
तो एकोलेलिया ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल चला जाता है. एकोलेलिया इज ऑल्सो अ स्टिमिंग विच इज ऑल्सो नोन एज वोकल स्टिमिंग. तो एकोलेलिया को वोकल स्टिमिंग बोलते हैं. एकोलेलिया का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो एक वीडियो है मेरा व्हाट इज एकोलेलिया, आप वो भी देख सकते हैं. उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया कि एकोलेलिया के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा किस टाइप का एकोलेलिया प्रोड्यूस कर रहा है. बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बच्चा हमारे पीछे पीछे सेम चीज़ रिपीट करता है बट उसे मतलब नहीं पता है. तो वहाँ पर मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक तो आप जब रिपीट करवाते हैं या कुछ भी ऐसा बुलवाते हैं बच्चे को विजुअल स्टिमुलेशन दीजिए, क्योंकि कई बार आप सिर्फ बोल रहे हैं दिखा नहीं रहे हैं तो बच्चा कमांड भी नहीं फॉलो कर सकता, साथ ही साथ आपकी बात को समझेगा भी नहीं. पिक्चर्स का आप सहारा ले सकते हैं बच्चे को एक विजुअल स्टिमुलेशन देने के लिए. वाले फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जो डेली एक्टिविटी के फ्लैश कार्ड्स आते हैं वो यूज़ आप कर सकते हैं आराम से. तो बच्चा को रिलेट करेगा कि आप बोल क्या रहे हैं. वर्ड्स को बहुत सिंपल एंड सेम रखेंगे हमेशा की तरह. और अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था हाउ टू कम्युनिकेट विद योर ऑटिज्म चाइल्ड, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए अगर आपने मिस आउट किया है तो, ताकि आप और आपके बेबी की कम्युनिकेशन जो है थोड़ी सी आसान हो सके, उससे भी बिहेवियर इशूज़ आपको कम दिखेंगे. क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के अंदर बिहेवियर इशू आता ही इसीलिए क्योंकि वो इन्वायरमेंट को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और सेल्फ स्टिमुलेशन तभी शुरू होती है. कई बच्चे आउट ऑफ बोर्डम हाइपर एक्टिविटी करते हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं किसी चीज़ के लिए तो रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, हेड बैंगिंग कर रहे हैं. बहुत एक्साइटेड होने की वजह से भी ऐसा होता है. अगर कोई गेस्ट आपके घर में आ रहे हैं तो आपको अपने बेबी को ऑलरेडी जो है उनकी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ दिखानी चाहिए, बताना चाहिए कौन आ रहा है. सोशल स्टोरी विद पिक्चर आपको बिल्ड करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को अनप्रिडिक्टेबल तरीके से कुछ भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऑटिज़म में तो बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करते. उनके लिए ये जो एक पॉइंट होता है ना, इससे उनका बिहेवियर ट्रिगर हो जाता है एंड फिर हम अपने बच्चों को डांटते हैं, एम्बैरेस होते हैं. सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे कि हाइपर एक्टिविटी से कैसे डील करना है या और भी एक्स वाई जेड चीज़ों से कैसे डील करना है, बट बिहेवियर ट्रिगर होने के पीछे क्या रीज़न है अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ, अगर आप उसके साथ डील कर पाएँ तो बच्चे को समझना, बच्चे के उस बिहेवियर को कम करने में आसानी होती है. बच्चों को रूटीन बहुत पसंद होता है, तो जब भी रूटीन से हटके कोई भी चीज़ होगी पूरे दिन में जो कि उनको नहीं पता कि ये होने वाला है आज, तब बच्चों का ये बिहेवियर जो है सेल्फ ट्रिगर हो जाता है. एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो आप कर सकते हैं और मेरे हिसाब से आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ करी है, मैंने विक्रांत ने, हम ये जो है बैठ के ये डिस्कशन करते रहते हैं. हमने विराज की ये चीज़ें पिक करनी स्टार्ट करी हैं, समझना शुरू करा है, तब से विराज की काफ़ी सारी सेल्फ स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं एंड बहुत ज़्यादा हमें बिहेवियर में स्टेबिलिटी नज़र आती है. सो आपको क्या करना है, एक बुक रखिए, उसमें नोट डाउन करते रहिए कि बिहेवियर्स कौन कौन से ट्रिगर हो रहे हैं, कौन कौन से दिन पर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, बिहेवियर ट्रिगर होने से पहले क्या हुआ था, बिहेवियर ट्रिगर होने के बाद आपने क्या किया जिससे बिहेवियर शांत हो गया. तो इससे क्या है ना, आप जब इस एनालिसिस को एक वीक तक पढ़ लेंगे, मुझे पता ही है थोड़ा मुश्किल है करना, बट अपने बच्चों के लिए अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपको एक वीक बाद जब आप एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सा बिहेवियर कब ट्रिगर हुआ था, आपको कॉमन पॉइंट्स समझ में आने शुरू हो जाएंगे. एंड उसके लिए फिर वो कॉमन पॉइंट्स जो है आपको बच्चे को कोप अप कराने होंगे कि यहाँ ये चीज़ होने की वजह से ये बिहेवियर ट्रिगर होता है. तो या तो आप उस चीज़ को अवॉइड करेंगे या फिर बच्चे को उससे अडेप्ट करना सिखाएंगे उसकी रेगुलर प्रैक्टिस के साथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ विराज को लेकर. विराज के लिए नीचे जाना, दैट मीन्स हम लोग जो है 12th फ्लोर पे रहते हैं तो लिफ्ट से जब हम नीचे उतरते हैं तो उसके लिए एक पैटर्न था दिमाग में सेट कि अगर हम लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं तो या तो हम बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर हम उसे स्विमिंग पूल लेकर जा रहे हैं. तो उसके लिए दोनों ही पैटर्न्स फिक्स थे, या तो वो पार्क जाएगा, घूमने जाएगा, या फिर वो स्विमिंग पूल जाएगा. इनमें से हट कर अगर हमने कोई भी पैटर्न अपनाया है तो वो एकदम से जो है बिल्कुल क्रैंकी हो जाता था एंड रोना शुरू, चिल्लाना शुरू एंड डील करना थोड़ा मुश्किल होने लगता था पब्लिक में. लेकिन अब हमें ये चीज़ समझ आने लग गई थी कि जो उसका बिहेवियर ट्रिगर होता है वो इसीलिए होता है कि उसे पहले पार्क जाना है या स्विमिंग पूल जाना है, घूमने जाना है, इसके अलावा अगर हम स्कूल लेके जा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी जो है सेटल नहीं होता है इस चीज़ के लिए. तो हमने क्या प्रैक्टिस स्टार्ट करी, हमने उसे स्कूल ले जाने से पहले स्विंग्स पे ले जाना स्टार्ट करा, नीचे ले जाना शुरू करा, उसे खिलाना शुरू करा, उसे बातें करनी शुरू करी और बाहर के आउटडोर सेटिंग में उसे जैसे सेटल होना था पार्क में, स्विमिंग पूल में या स्विंग्स पर, हमने वो चीज़ करी. उसके बाद हम ऊपर आते थे, हम उसे स्कूल लेकर जाते थे रेडी कर. तो उससे उसे ये चीज़ समझ में आने लगी कि दिस इज़ अ पैटर्न, मैं चाहता हूँ वो चीज़ हो गई है, नाउ अब हम जब बाहर जा रहे हैं तो हम किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं. तो
तो वो करते करते हमने एक पैटर्न सेट किया, देन हमने उस पैटर्न को स्विच किया। एक दिन हम विराज को स्कूल ले गए, स्कूल में भी स्विंग्स हैं, हमने पहले स्कूल ले जाके उसे स्विंग्स करवाए, उसके बाद हम उसे स्कूल के अंदर एंटर करवा दिया। बच्चे को धीरे धीरे करके ट्रांजिशन कर दिया हमने एक पॉइंट से जहाँ वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड था कि अगर हम डोर से बाहर जा रहे हैं तो मुझे वहीं जाना है, उस पॉइंट से हम उसे स्कूल के डोर वाले पॉइंट पर लेकर आए। यानी हमने एक चेंज किया लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ, यानी कि हम उसे स्कूल ले गए, स्कूल में हमने उसे स्विंग कराया एंड वहीं के वहीं हमने उसे जो है क्लास में हैंड ओवर कर दिया। तो ये जो ट्रांजिशन फेज होता है ना बच्चों का, ये बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे करना होता है। सो इसीलिए आपको पेशेंस बहुत रखनी है। सो आई होप मैंने एक कॉमन आंसर दिया है आप सभी को। अगर हम एक एक एग्जाम्पल पिक करेंगे तो स्पेक्ट्रम में बच्चों के बहुत डिफरेंट रीजंस होते हैं बिहेवियर ट्रिगर होने के, बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ, तो हम किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। बट ये एक बेसिक है जो अगर हम फॉलो कर लें तो बच्चे का जो बिहेवियर है हम मैनेज कर सकते हैं एंड बहुत ईजीली जो है बच्चे भी सीख जाते हैं अपना बिहेवियर मैनेज करना। एंड थोड़ा सा टाइम एंड पेशेंस, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में या एटलीस्ट 1 साल में तो रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मुझे खुद 3 साल हो गए हैं, 3 साल 10 महीने का विराज था, उससे काफ़ी पहले मुझे आइडिया लगना शुरू हो गया था। बट एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन पे जो एक डायग्नोसिस मिलता है वो 3 साल 10 महीने की उम्र में मिला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल 10 महीने की उम्र से आज विराज 6 साल+ है एंड उसमें भी अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं या जो हमें अभी भी कोप अप करने में या उसे कोप अप करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, वर्क अराउंड करना पड़ता है। किसी के आपको यूट्यूब पे आके कुछ बता देने से, यानी कि मैं या और भी चैनल्स जो हैं, कोई अगर आपको कुछ बता रहा है तो वो एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आपके जो घर में एक्चुअली जो आप लिव करते हो कंडीशन बच्चे के साथ में, वो आप ही अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, आप ही वर्क अराउंड अच्छे से निकाल सकते हैं एनालिसिस के बाद। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो तो आप अपने बच्चे के बिहेवियर को भी जो है आराम से मैनेज कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके साथ डील कैसे करना है या उसे शांत कैसे करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो कुछ लिंक्स मैं लगाऊंगी वीडियोस के, वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए, वो एक रेलेवेंट वीडियो है इस वीडियो के कंपैरिजन में। सो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो ऑटिज़म पेरेंटिंग से रिलेटेड आपकी थोड़ी सी मदद कर सके, बच्चों की लाइफ भी जो है थोड़ी सी ईजी हो सके। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।